खबर गाजीपुर से है, जहां डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय के सरजू पांडे पार्क में प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक व शिक्षा मित्र और अनुदेशक शामिल रहे। इस दौरान 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सभा की गई और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। गाजीपुर से मोहम्मद साहिद की खास रिपोर्ट। और चैलेंज लेकर के पास से जल्ला जल्ला काफ उठेगा इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से। हमारी 14 जीता, हमने 17 जीता, हमने 19 जीता, हमने 22 जीता। अगर आप सरकार द्वारा तानाशाही और तुगलकी फरमान जारी किया गया है, हम शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति एवं डिजिटलाइजेशन के लिए बाध्य किया जा रहा है। सरकार हम शिक्षकों की जो मांगे हैं, हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें नहीं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये हमारा जो है चरणबद्ध तरीके से प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पे कार्यक्रम चल रहा है। जैसा आप सभी लोगों को पता है, 8 जुलाई से 14 जुलाई तक हम लोगों ने काली पट्टी बांध करके विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया और आज 15 जुलाई को विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के पश्चात हम लोग यहाँ 3 बजे सरजू पांडे पार्क में इकट्ठा होकर के धरना सभा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित करेंगे। और इसके बाद भी अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर 29 जुलाई को हम लोग लखनऊ की सड़कों पर उपस्थित होकर के विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे।